नगर में नवागत थाना प्रभारी दिनेश सिंह चौहान के आने के बाद प्रतिदिन बढ़ती चोरियां वर्तमान में चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले दिनों नगर में कब्रिस्तान के सामने की कपड़ा दुकान से लगभग 3 लाख का सामान व नगद बाग रोड पर एक साथ 3 दुकानों पर हजारों की चोरी और साथ ही में थाने के समीप लक्ष्मी कॉलोनी में 2 दुकानों पर से मोबाइल व मेडिकल से हजारों की चोरी और घर पर चोरी की अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर भी लगातार चोरियां होने से नागरिकों में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। ऐसा लगता है जैसे चोर लगातार प्रतिदिन पुलिस को चोरी रोकने की चुनौती प्रस्तुत कर रहे हों। इन सभी चोरियों में क्रमशः लाखों हजारों का सामान चोरी हुआ है तथा नगद पर भी चोरों ने हाथ साफ किया है। थाना प्रभारी चौहान द्वारा सुरक्षा समिति की आवश्यक बैठक आयोजित करने के बाद भी चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुरक्षा समिति की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। नगर में इस प्रकार लगातार चोरी होने का यह पहला घटनाक्रम नहीं है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विगत कई दिनों से प्रतिदिन की यह चोरियों पर कब तक पूर्णतः से विराम लगाकर नगर को राहत की सांस मिल पाती है। रात्रि मेरी मोबाइल की दुकान है और मेडिकल है, दोनों दुकानें पास पास में हैं। इनके दोनों के ताले टूटे हैं और मोबाइल कुछ गए हैं और मेडिकल की दुकान में से कुछ नकदी रकम है जो हम फील्ड करके आते हैं, उसमें से कई भी 25-30 हज़ार रुपये की रकम रखी हुई थी, वो रकम भी ले गए हैं। और इसकी सूचना हमें 100 डायल पर करी सुबह में, फिर पुलिस आई, उन्होंने निरीक्षण करा और देखा। और इसके पूर्व भी 2-3 दिन पहले पूर्व में भी दूसरी दुकानों का भी ताले टूटे, रोज दुकानें चोरी हो रही है कुक्षी में। अब हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इसमें चोरों को पकड़ा जाए और ये इस पर अंकुश लगाया जाए चोरियों पर। हाँ, शहर के अंदर जो चोरियां हो रही हैं, कुछ दुकानों के ताले टूट रहे हैं, जो आउटर साइड की दुकानें हैं, उसके लिए हमने ये किया है कि शहर की जो ग्राम रक्षा समिति है, नगर सुरक्षा समिति है, उसकी मीटिंग ली है हमने और उनसे ये अनुरोध किया कि हमको जो है जो मोहल्ले वाइज ग्राम सुरक्षा समिति बनाई जाए और वो लोग हर मोहल्ले से कुछ लोग हमको मिलेंगे और जिनके माध्यम से रात्रि गश्त की जाएगी, उनके सहयोग से जो है पुलिस गश्त करेगी और शहर में हो रही जो चोरी है उसमें अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कुक्षी से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।